आई एम रंजीत पटेल, आप देख रहे हैं रणटेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल एडसन में जब आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है तो उसके बाद आपको गूगल एडसन के अप्रूवल होने के बाद आपको ऐड में मैन्युअली ऐड लगाना चाहिए कि ऑटो ऐड यूज़ करना चाहिए। ऑटो ऐड में क्या सिक्योरिटी है एंड मैन्युअली ऐड में क्या सिक्योरिटी है, क्या बेनिफिट है, कैसे आप अर्निंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हर एक बेनिफिट के बारे में आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ और एक हर एक प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि जब आपकी वेबसाइट, जब आप बिगनर रहते हैं, जब आपकी वेबसाइट गूगल एडसन में मोनेटाइज हो जाती है तो उसके बाद आपको जब आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, तो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होने वाली है जिससे आपको ब्लॉगिंग पे जब आपका $100-$200 कंप्लीट होगा तो आपको यह प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, क्योंकि काफ़ी एंड ब्लॉगर को यह प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ जिससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, हर एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा आती है ब्लॉगर के माइंड में कि कभी एड लिमिट लग गई है, कभी ब्लॉग पर एड शो नहीं हो रही, तो कभी कहीं प्रॉब्लम, कहीं आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, पैन कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। जब आपका $100-$200 कंप्लीट हो जाता है, अपनी ब्लॉग से अर्निंग हो जाती है, तब आपको लगता है कि हाँ कुछ अर्न हुआ है न। काफ़ी लोगों को यह डाउट रहता है और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऑटो ऐड वर्सेस मैनुअली ऐड। ओके गाइस, रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है मैनुअली ऐड एंड ऑटो ऐड। मैनुअली ऐड से क्या होता है कि आप मैनुअली हर एक कोड को क्रिएट करके, आप अपने ब्लॉग पर जहां भी प्लेस करना चाहें वहां पर प्लेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं आसानी से। क्योंकि मैनुअली ऐड से क्या होता है कि आप अपने डिपेंड से किस प्लेस पर आपको ऐड लगाना है, ब्लॉग पर कहाँ लगाना है, किस जगह पर ऐड लगाना है, फुटर पे लगाना है, हेडर पे लगाना है, टॉप पे, बॉटम पे, एंड आर्टिकल के बीच में, पैराग्राफ के बीच में, एंड जहाँ भी आपको जिस कंटेंट एंड कहीं भी आप ऐड लगा सकते हैं मैनुअली ऐड। मैनुअली ऐड कोड कैसे क्रिएट करना है उसकी वीडियो आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब बात आती है कि मैनुअली ऐड से आप कोड को कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस पे एंड मल्टीपल स्पेस पर आप पेस्ट कर सकते हैं एंड मैनुअली ऐड लगा सकते हैं। और ऑटो ऐड क्या होता है, ऑटो ऐड में ये होता है जब आप ऑटो ऐड इनेबल कर लेते हैं तो ऑटो ऐड जब वो क्या होता है गूगल डिफाइंड एल्गोरिथम डिपेंड कि वो कहीं आपके साइड बार में, फुटर पे या टॉप पे कहीं स्लॉट आएगा, इस टाइप से वो ऐड शो करता है, ये ऑटो ऐड शो करता है। इसमें क्या सिक्योरिटी रहती है और क्या अनसिक्योरिटी रहती है, ऑटो ऐड में क्या होता है कि जब आप ब्लॉगर हैं, अगर आपके पास ब्लॉग का अकाउंट है, आप ब्लॉगर पे अपनी वेबसाइट को होस्ट किए हैं, तो आपको ऑटो ऐड यूज़ करना चाहिए ना कि मैनुअली ऐड। मैनुअली ऐड आप एक दो यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद अदरवाइज आप ना ही करें तो ठीक है। क्योंकि ऑटो ऐड में ये होता है कि जब आप आपकी वेबसाइट में या ब्लॉग पर CTR इंक्रीज होता है या लग जाता है, CTR इंक्रीज होगा और आपकी ब्लॉग पर एड लिमिट लग जाएगा तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटो ऐड को ऑफ कर देंगे और आपका काफ़ी ज़्यादा ऐड है जो शो होना बंद हो जाएंगी। जो भी आपने ऐड यूनिट क्रिएट की है उसको आप डिलीट कर देंगे, वहाँ से रिमूव कर देंगे, ये क्या होगा कि आप ऐड लिमिट से प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाओगे और आपका CTR है जो कम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम कब आती है, जब आपकी वेबसाइट में भक्कम कहा जाए तो अच्छा ट्रैफिक आता है, 100 and 1 million, 2 million जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आता है तो उसमें क्या होता है कि आपके ब्लॉग पर CTR या CTR इंक्रीज हो जाता है, लिमिट लग जाती है। इसको सॉल्व इस प्रकार कर सकते हैं ब्लॉगर के लिए, अगर आप वर्डप्रेस पर हैं तो वर्डप्रेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वर्डप्रेस पर जब आप ऑटो ऐड मैनुअली ऐड भी यूज़ कर सकते हैं। मैनुअली ऐड में क्या होता है कि जब आप मैनुअली ऐड मल्टीपल यूनिट क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल यूनिट क्रिएट करने के बाद आप हर एक कोड को आप कहीं ना कहीं पेस्ट करेंगे ब्लॉग पर, उसमें अगर CTR इंक्रीज होता है और ऐड लिमिट लग जाता है तो उसको
सॉल्व करने में, यूनिट को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ आपको ट्रैक नहीं कर पाते कि ये कहाँ की ऐड है, किस ब्लॉक की है एंड कहाँ पर इसको मैंने प्लेस किया था, इसको कैसे रिमूव करना है, आप इसको ट्रैक नहीं कर पाते, इजीली ट्रैक नहीं कर पाते। इसलिए आप अगर ब्लॉगर पे हैं तो आपको मैन्युअली ऐड यूज़ नहीं करना, आप नॉर्मली एंड 5 से 10 ऐड यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐड यूनिट क्रिएट ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि आप ऑटो ऐड यूज़ कर सकते हैं। ऑटो ऐड आप एक बार वन क्लिक पर आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑटो ऐड इनेबल कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। और मैनुअली ऐड में क्या होता है कि आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा कि इसका कोड कहाँ कहाँ पेस्ट किया, इसको कैसे रिमूव करना है, ये ऐड कहाँ पर लगी है, हर एक यूनिट को आपको ट्रैक करके उसको रिमूव करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका CTR है जो डिक्रीज़ हो जाएगा एंड और आपका ऐड लिमिट भी रिमूव हो जाएगा। ऐड लिमिट कैसे रिमूव होता है मैंने आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली बता दिया कि ये थ्योरिकल है, ये आपका रियल में सक्सेसफुली आपका ऐड लिमिट रिमूव हो जाएगी। ओके गाइस, अभी हो गया ऑटो ऐड। ऑटो ऐड में मल्टीपल ऑटो ऐड जब साइड बार फुटर से आता है स्लॉइड होके एंड कहीं भी आपकी ऐड शो हो सकती है। मैन्युअली में आपको आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कहाँ पर गाइस, जो सेकेंड पॉइंट है वो है ऑटो ऐड में इफेक्ट क्या पड़ता है आपकी थीम पर, टेम्पलेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है ऑटो ऐड का, क्योंकि ऑटो ऐड रहती है जो ऑटोमेटिक आपके टेम्पलेट पर एड्स होगी, क्योंकि उसकी एल्गोरिथम जो इतनी एडवांस है, उसकी एल्गोरिथम इतनी एडवांस है गूगल एडसन की, वो कहीं भी अपनी एड शो करा लेता है, साइड पे, फुटर पे, हेडर पे, आर्टिकल के बीच पे, वो हर एक टाइम अपडेट रहता है। किसी ब्लॉगर इसको ट्रैक नहीं करता, प्रो ब्लॉगर ट्रैक नहीं कर सकता, जज नहीं कर सकता कि ये ऐड है जो कहाँ पर ओपन होगी, कैसे ओपन होगी, क्योंकि ऑटो ऐड कहीं पर भी शो कर सकती है। कहा जाए तो आपके टेम्पलेट के अनुसार आपके टेम्पलेट को वो जज कर लेती है और उसको कहाँ ऐड शो कराना है वो उसको वहाँ पर ऐड शो करा लेती है। मैन्युअली में ऐड में क्या होता है कि आप उसको कोड क्रिएट करेंगे, कोड क्रिएट करने के बाद आपको एनी टाइप अपने प्लेस पर प्लेस कर सकते हैं। एंड सेकेंड कि आप अगर वर्डप्रेस पर आपकी वेबसाइट होस्ट है तो आप वर्डप्रेस में प्लगइन आता है, उस प्लगइन की हेल्प से आप मल्टीपल वन एक ही जगह कोड को पेस्ट करके आप मल्टीपल जगह उसी ऐड को उसी साइज पर शो करा सकते हैं। ये वर्डप्रेस में काफ़ी ज़्यादा प्लगइन रहते हैं, प्लगइन की हेल्प से आप ऐड को शो करा सकते हैं, मगर क्या होता है ब्लॉगर पे यह नहीं होता, ब्लॉगर पे प्लगइन नहीं होती, तो आपको क्या है मैन्युअली कोड क्रिएट करके उसको पेस्ट करना पड़ता है, पोजीशन को सेलेक्ट करना पड़ता है। ये डिफरेंस रहता है ऑटो ऐड एंड मैन्युअली ऐड में, क्या डिफरेंस रहता है आप समझ ही गए होंगे, क्या यूज़ करना चाहिए। आप अगर ब्लॉगर पे हैं तो इज़ द बेस्ट है कि आप ऑटो ऐड इनेबल करके रखें। अगर आप वर्डप्रेस पर हैं तो आप मैन्युअली ऐड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो ऐड से तो जितना ज़्यादा अर्निंग भी होता है, क्योंकि ऑटो ऐड आपका कभी भी डाउन पर ऐड शो नहीं कराएगा, आपके ऊपर ही शो ऐड कराएगा एंड साइड बार पे दिखाएगा, आर्टिकल के बीच पे दिखाएगा एंड 1 से 10 आर्टिकल रहेंगे आपके जो वहाँ पर भी ऐड शो कराएगा। और मैन्युअली ऐड में आप कहीं भी शो करा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इज़ द बेस्ट है, आप ऑटो ऐड इनेबल करके रखें, उससे अर्निंग भी इंक्रीज होगी और यूज़र एंगेजिंग भी रहेगा और आपकी थीम पर ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। और हर एक आर्टिकल, क्योंकि यूज़र आता है जब आपके ब्लॉग पर तो वो नीचे नहीं जा पाता, क्योंकि रीड करते करते वो आपका आर्टिकल को नीचे नहीं जा पाता, वो ऊपर ही 10 आर्टिकल एंड 20 आर्टिकल रीड करके चला जाता है और ऑटो ऐड में वहीं पर भी ऐड शो कराता है। और इससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और आपके ब्लॉग से अच्छा खासा क्लिक भी आएगा, इंप्रेशन भी आएगा, ऐड भी शो होंगी। ओके फ्रेंड्स, आप तो समझ ही गए होंगे कि इसमें आपको ऑटो ऐड रखना चाहिए, ऑटो ऐड इज़ अ बेस्ट है कि मैनुअली इज़ अ बेस्ट है। आप तो इस वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको आगे तक जब आपके पूरा पेमेंट आने तक आपको कैसे सिक्योर रखना अपने ब्लॉग को, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके ब्लॉग पर, जब आपकी ब्लॉग है जो ब्लॉगर पे होस्ट है, तो उससे क्या होगा कि आप ऑटो ऐड लगा के ऑफ कर देंगे तो आपका CTR भी इंक्रीज हो जाएगा। और मैनुअली ऐड तो आप समझ गए होंगे कि आपको कोड को ट्रैक करना पड़ेगा, हर एक कोड को डिलीट करना पड़ेगा। इससे आपका क्या होगा कि ऐड लिमिट भी हट जाएगी और
एंड आपका CTR भी कम हो जाएगा। ओके गाइज, वीडियो क्लासेस देखने के लिए धन्यवाद। मैं ब्लॉगर, वर्डप्रेस एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके लिए रिसर्च करके न्यू कंटेंट लेके आता रहता हूँ, इसलिए जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ओके गाइज, वीडियो क्लासेस देखने के लिए धन्यवाद। मेरे को मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो करके जाए, और आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा। गूगल एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड एंड एडसेंस आर्टिकल से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड, फेसबुक पेज से रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो, ब्लॉग से रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूँगा। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत।